हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो ऑन चैनल। आज के लिए आपको बताने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन को कैसे ऑफ कर सकते हैं, कैसे उसको ऑन कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ आसान तरीका है। बिल्कुल आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है बिना स्किप किए गाइस, ठीक है। उससे पहले आपको एक काम और कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जल्दी आओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा मैं लाता रहूँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ बकवास किए। तो सिंपली सबसे पहले हम इंस्टा को ओपन कर लेते हैं अपने। इस तरीके से हमारा इंस्टा ओपन हो जाता है गाइस, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पर आगे नीचे आपको प्रोफाइल दिख रहा होगा अपने, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है आपके इंस्टा का। सिंपली तीन लाइन जो आपको देखने ऊपर आगे में, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर को नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक कर देना आपको। यहाँ पे देखिए पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए पोज ऑल, यदि आप पोज ऑल पे कर देंगे यहाँ पे गाइस, ठीक है, पोज ऑल पे कर देंगे तो आपको जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, किसी की आपने फॉलो किया, क्लब किसी ने कमेंट किया, लाइव आ रहा हो कोई, आपको जितनी नोटिफिकेशन आती है सब आपकी बंद हो जाएंगी। बट वो कुछ टाइमिंग के लिए होंगी, आपको 8 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटे, 1 आवर, 15 मिनट, इस तरीके से वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग बंद हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। बट अब आपको अगर कुछ ही नोटिफिकेशन को ऑफ करना है तो आप वो सिंपली दे सकते हैं पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट्स। यदि आप कोई पोस्ट डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, उस पर कमेंट आते हैं, लाइक आता है, तो उस पर जो आपको नोटिफिकेशन ग्रुप में आ जाता है, ठीक है, उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑफ कर देंगे तो सिंपली यहाँ ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम पीपल आई फॉलो, जो जिन बंदों को मैंने फॉलो किया उनकी अगर हमें आती हैं, मतलब नोटिफिकेशन आती है, तो वो यहाँ से ऑफ हो सकती हैं। नीचे आते हैं लाइक एंड कमेंट और फोटो, जो आपने कोई फोटो डाला है, ठीक है, उस पर अगर आपको कमेंट आती हैं, पीपल आई फॉलो, जिनको मैंने फॉलो किया वही कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी नोटिफिकेशन हमको आ सकती है, और कोई लाइक करता है उसकी नोटिफिकेशन हमको नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नोटिफिकेशन दे सकते हैं फोटोज ऑफ यू, जैसे कि आप किसी फोटो में टैग किए हैं, किसी फ्रेंड ने आपको टैग किया है, तो आप उस टैग वाली फ़ोटो में आपको कोई कमेंट करता है, मतलब आपके बारे में कमेंट करता है, फोटो को कमेंट करता है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है फ्रॉम एवरीवन, मतलब कोई भी करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट आप ऑफ कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। कमेंट तो आप वहाँ से ऑफ कर सकते हैं, कमेंट का भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, लाइक का भी कर सकते हैं ऑफ, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट एंड स्टोरीज, मतलब आप कोई फर्स्ट पोस्ट करते हैं, स्टोरीज करते हैं, वहाँ से आपको वहाँ से ऑफ कर सकते हैं, करना चाहते हो सिंपली ऑफ कर देंगे तो आपको वो सिंपली नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। बैक चलते ये तो बात होगी पोस्ट स्टोरी एंड कमेंट्स की, ठीक है। अब आपको यदि कोई फॉलो एंड फॉलोइंग करता है, यदि आप किसी ने फॉलो कर लिया, किसी ने आपको फॉलो कर लिया, तो उसका मतलब देता है आपको नोटिफिकेशन, तो वो भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी को, यदि आपने किसी को, मतलब किसी ने आपको फॉलो किया, आप रिक्वेस्ट मतलब आ रही हो आपके पास, यहाँ से आप उसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अकाउंट सजेशन के लिए आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेंशन एंड बायो के लिए यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यदि आपको मेंशन किया गया, ठीक है। सिंपली बैक चलते हैं फिर से। आपको यदि कोई मैसेज या कॉल करता तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दे सकते हैं, यदि आप कोई मैसेज या कॉल कर रहा है तो यहाँ से उसको ऑफ कर सकते हैं। यदि किसी के मैसेज का रिक्वेस्ट आया है, किसी अनजान व्यक्ति ने आपको फर्स्ट टाइम मैसेज किया, तो यहाँ से उसको नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। यदि किसी ने आपको मैसेज किया तो ऑफ कर सकते हैं, यदि आपको ग्रुप को कोई रिक्वेस्ट आया तो आप मैसेज ऑफ कर सकते हो, आपको वीडियो कॉल कर रहा था ऐसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। किसी को आप रूम में बनाना है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, इस तरीके से नोटिफिकेशन आती है। तो गाइस सिंपली बैक चलते हैं लाइव एंड वीडियो, यदि आप कोई वीडियो डालते हैं या फिर कोई लाइव आता है तो उसकी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आप यहाँ से कोई लाइव वीडियो बना रहा है आपके साथ नोटिफिकेशन आएगी, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं उसको। वीडियो किसी ने अपलोड की तो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो व्यू काउंट आ रहे हैं, मतलब 100 व्यू हो जाते हैं, हमारे नोटिफिकेशन आता है, वो भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर से बैक चलते हैं, जो आपके जो फंड रेजर्स होता है, ये आपको कोई मतलब का नहीं है गाइस, ठीक है, ये आपको मुश्किल से आता है, जो कि आप फंड के लिए आता है, इसको समझने का मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम से जो आपकी नोटिफिकेशन आती है तो रिमाइंडर के लिए ऑप्शन आता है, तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन अकाउंट को आता है, यदि आपको मतलब इंस्टाग्राम से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब कोई इंस्टाग्राम आपके लिए कोई प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, तो यहाँ से उसको ऑफ कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए कर सकते हैं, और अनरिकॉर्डेड लॉगिन कर सकते हैं, मतलब कोई और अगर आपकी आईडी को लॉगिन करता है तो उसकी ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई नोटिफिकेशन आती है, उन सभी को आप नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन को आप यहाँ से ही ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए फीडबैक ईमेल्स होता है, रिमाइंडर ईमेल्स होता है, यदि आप ईमेल से कोई मतलब रिपोर्ट करते हैं इंस्टाग्राम को, तो यहाँ से जो नोटिफिकेशन आती है वहाँ से उसको ऑफ कर सकते हैं। शॉपिंग करते हैं, यहाँ पर शॉपिंग के यहाँ से देखिए अकाउंट यू फॉलो, मतलब जिस अकाउंट को आपने फॉलो किया उससे भी नोटिफिकेशन आती है। आपको कुछ सजेस्ट करता है अकाउंट के लिए, यहाँ से नोटिफिकेशन आती है। इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको उसको ऑफ कर सकते हैं सभी नोटिफिकेशन को। तो गाइस इतनी नोटिफिकेशन हमारी होती है इंस्टाग्राम में, आप उन सभी को अनेबल और डिसेबल करना सीख गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
अगर चैनल में नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि ऐसे मेरा वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो मैं ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत गाइस।